आदाब नमस्कार दोस्तों, वो हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम, बात करते हैं उस सॉफ्टवेयर की जिसको लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि देश के कई बड़ी हस्तियों की, विपक्ष के नेताओं की, जजेस की और खासकर जो पत्रकार हैं उनकी जासूसी कराई जा रही थी। यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार के कई मंत्री हैं उनके भी नाम सामने आ रहे हैं कि उनकी भी जासूसी हो रही थी। अब ये पेगासस के आप लोगों ने पहली बार सुना है। 2019 से लेकर अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। पेगासस का जो पहली बार जिक्र हुआ था वो 2019 लोकसभा के चुनाव के ठीक बाद हुआ था। तब आरोप लगे थे कि बहुत सारे मानव अधिकार के लिए जो लोग काम करते हैं और जो पत्रकार हैं उनकी जासूसी करा रही है सरकार। इस तरह के आरोप लगे थे और कहा गया था कि पत्रकारों की जासूसी शायद इसलिए की जा रही है कि वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, ताज़ा हालात वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सामने आई थी। और ये मामला पहली बार 2019 के बाद आया। मैंने तब भी एक रिपोर्ट की थी, हालांकि इस चैनल पर नहीं की थी, वो अलग बात है। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद 2020 में सितंबर के अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स उठाकर देखेंगे तब भी पेगासस इस जो सॉफ्टवेयर है जिसे वायरस एक तरह से कहा जाए, ये आपके मोबाइल में एक तरह से भेज दिया जाता है। उसके बाद आपकी जानकारी इकट्ठी कर ली जाती है कि आप लोग क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, कहाँ कौन से मैसेज किए, तमाम वगैरह बहुत सारी चीज़ें, खासकर व्हाट्सअप जैसे जो मैसेंजर हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और इसको जो बनाने वाली इसराइल की कंपनी है उसका ये दावा है कि हम ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं बेचते। हम इसकी मदद से जो क्राइम है और खासकर जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उनको रोकने में बड़ा सहयोग करता है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे देश में इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि कल जो रिपोर्ट सामने आई थी एक मीडिया संस्थान की, उसके बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है कि भैया हमारी जासूसी की जा रही है। फिलहाल ताजा मामले पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि किन किन लोगों का नाम सामने आ रहा है कि जिनके ऊपर ये अप्लाई किया गया है ये पेगासस सॉफ्टवेयर। अगर मैं इस मीडिया रिपोर्ट्स की बात करूं जिसने ये पूरी लिस्ट छापी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ विपक्ष, पत्रकार, जजेस और या उनके कई और सहयोगी या और नेताओं से जुड़े लोग, उनकी निगरानी नहीं की जा रही थी, बल्कि जो केंद्र में इस वक्त मंत्री हैं उनकी भी सॉफ्टवेयर के जरिए शायद जासूसी कराई जा रही थी। इस वेबसाइट के अनुसार कुछ बड़े नाम ऐसे हैं जिसमें कई मंत्री हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और अश्वनी वैष्णव, इन पर भी इस सॉफ्टवेयर के द्वारा नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा राहुल गांधी, चुनाव रणनीतिकार जो प्रशांत किशोर है जिन्होंने हाल फिलहाल ममता बनर्जी को बंगाल में दोबारा सरकार बनाने में बड़ी अपनी भूमिका निभाई है, उसके बाद वो एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में नजर आए हैं और साथ ही उन्हें दूसरा चाणक्य भी कहा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल उनकी राहुल गांधी से कई मुलाकात भी हुई है, उससे पहले शरद पवार से भी हुई है जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा चुनाव आयुक्त जो है अशोक लवासा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण नाम है जो हमारे सीजीआई रहे हैं, यानी कि रंजन गोगोई, जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया था, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, और उन पर जिस महिला ने आरोप लगाया था कभी उत्पीड़न का, उस पर भी बताया जा रहा है कि उस सॉफ्टवेयर के द्वारा उसकी भी निगरानी की गई थी। इस लिस्ट में और कई बड़े नाम है, जैसे हिंदू परिषद के जो विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी का भी इसमें नाम शामिल है, और उनके जो ओएसडी हैं संजय कचरू, उनका भी नाम इसमें शामिल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में ये वही बात कर रहे हैं जो मैंने आपको खबर शुरू होने से पहले कही है कि 2017 से लेकर 2019 तक निगरानी रखी गई है। ये नहीं है कि पहली रिपोर्ट जब मैंने पहली बार आपको बताया कि मैंने पहली बार में ये रिपोर्ट कर दी थी 2019 में, तब ये मामला पहली बार सामने आया था, लेकिन अचानक फिर क्या हुआ कि मामला दब गया। उसके बाद 2020 में फिर से शुरू हुआ, लेकिन इस बार जैसे ही हमारी ये बरसात चल रही है, उसका सत्र शुरू होने वाला है लोकसभा का और राज्यसभा का, तो ये मामला फिर से अचानक सामने आ जाता है। अब इस मामले में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगा, यानी कि केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके अलावा जो बड़े मुद्दे हैं शायद भारतीय जनता पार्टी उससे बच सकती है, जैसे कोरोना हो गया, उसके अलावा रोजगार मुद्दा हो गया, उसके अलावा धर्मांतरण से जुड़े मुद्दे हो गए जिनकी विपक्ष ने एक तरह से लिस्ट बना रखी थी कि हम इनको लेकर शायद इस बार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और भी कई बड़े मुद्दे हैं, यूपी चुनाव आ रहा है उसको लेकर भी काफी सारी चीजें थी, किसान बिल है जिसको लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी थी, लेकिन मामला सबसे पहले उठ गया पेगासस सॉफ्टवेयर का। तो हो सकता है कुछ दिन इस पर बहस चले, उसके बाद लगता कि सारे मुद्दे कहीं ऐसा ना हो कि दबकर रह गए और सिर्फ पेगासस खेलते रहे विपक्ष भी और पक्ष भी। तो फिलहाल इसको लेकर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितनी फिलहाल हल्ला मचा रखा है, ये हल्ला 2 साल पहले भी मच सकता था जब पहली बार रिपोर्ट सामने आई थी, 1 साल पहले भी मच सकता था 2020 में जब इसका दोबारा से जिक्र किया गया था, लेकिन इस बार फिर से ठीक इस सत्र से पहले इसका हंगामा मचना ये किस ओर जाता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, मैं किसी और अपडेट के साथ आपको मिलता हूं।